एसबीआई के एटीएम को चुराने वाली गैंग के आखिरी शातिर चोर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। इस चोर को काशीपुर से गिरफ्तार किया गया। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम चोरी के मामले में 4 में से 3 अभियुक्तों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में 4था अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपनी जगह बदल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और वंदना वर्मा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मनोज रतूड़ी ने पुराने ढेला पुल से इस शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आया 4था अभियुक्त इंतजार है, जो काशीपुर में किसी घटना को अंजाम देने आया था। उसके पास एक 12 बोर का तमंचा व जिंदा कारतूस मिला है। 18:19 की रात को, जैसा कि आपको विदित है कि रात के समय देर रात में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा हमारे वहाँ जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स है स्टेडियम के पास, यहाँ पे बहुत डेयरिंग तरीके से एटीएम उखाड़ करके और इस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और ये लेके गए थे। उसमें हमारी लगभग 6 टीमों ने भिन्न भिन्न स्थानों पे दबिश दे करके उसमें काफी अच्छा काम किया था। उसी क्रम में हमने पूर्व में 3,30,000 और लगभग 3 अभियुक्त हमने पकड़े थे। उसमें हमारे कुछ वांछित अभियुक्त हैं जिनके पीछे आज भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। उसी में से एक वांछित अभियुक्त हमारा इंतजार को हमें पकड़ने में सफलता मिली है और जो हमारा उस समय एटीएम से इन्होंने पैसे लेकर के आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसमें 70,000 रुपए की रिकवरी हुई है। चूंकि यह एक दुर्दांत किस्म का अपराधी है, इसमें राजस्थान और अन्य जगहों पे काफी मुकदमे भी हैं और चोरी लूट डकैती इसी टाइप के इस पर मुकदमे हैं, लिहाजा हमारी टीम को इसमें पकड़ने में सफलता मिली है। श्रीमान एसएसपी महोदय ने टीम को पुनः इसकी गिरफ्तारी पे 2,500 रुपए इनाम की घोषणा की है। अन्य जो अभियुक्त है जो हमारे वांछित है इस घटना में, उनको शीघ्र ही हमारी टीमों के द्वारा उनको भी पकड़ा जाएगा और ये इंश्योर करेंगे कि ये सभी के सभी जो ये क्रिमिनल है ये शीघ्र गिरफ्तार हों, ये जेल जाए और इनपे हमारे द्वारा गैंगस्टर की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।